फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड आज है 14 मुहर्रम और आज हम सुनने आए अलामा नुसरत बुखारी को। आप सभी लोग को तो पता होगा, वो बहुत ही मशहूर आलिम है। तो आज हम जंग उनको सुनने आए हैं। एंड आज मैं आप सब लोग के साथ व्लॉग शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम सुनते हैं। वैसे तो हमने पिछले साल भी उनको सुना था, बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं। वैसे आप सभी लोग सोशल मीडिया पर उनको देखते होंगे। आज हम आ चुके हैं इमाम बारगाह में और मैं व्लॉग बना रही हूँ और बहुत क्राउड है यहाँ पे, तो इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी है बिकॉज ऑफ समथिंग, आप लोग को पता होगा। तो ये हमारा भी मेरे साथ बैठी हुई है, मैं बैठी है, मैम बैठी है, हम सब बैठे हैं। ये मैं बैठी हूँ। पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज सबील वगैरह तो हैं बाहर, लेकिन फिर भी सफ़े अज़ा बिछाया, मालिक अपने बारगाह मंजूर थे मकबूल फरमा। क्या कहकर कि मूसा फिरौन के पास जाना कुरान की आयत है, फिरौन से नरम लहजे में बात करना। अल्लाह ना दुनिया का बदला बता, दुनिया पूरी ताकत बताती है आपके सामने। आखिर क्या वजह थी कि अल्लाह ने 1,24,000 को भेजा और उन्हें भेजा, क्यों भेजा? ताकि इस बंदे को अल्लाह का बंदा बनाया जाए। कोई जन्नत में रिश्तेदार एक दूसरे को जन्नत में जाने देते, एक दूसरे को निवाला खाते हुए रिश्तेदार बर्दाश्त नहीं करते, जन्नत में कैसे जाने देते? आपके सामने बहन भाई एक दूसरे से दुश्मन, नाराजगियां रिश्तों में, नाराजगियां हमसायों में, नाराजगियां दोस्तों में, नाराजगियां क्यों? क्योंकि अभी तक दुनिया हमें, दुनिया के बंदे हमें लेके जाएंगे लोगों को गुरु के देंगे। नकाब पहनी हुई हो आपकी बेटियां, फिर भी आपको बुरा लगेगा। मगर तो भगवान जो हमसे ये से चाहता इब्ने अब्बास ने कहा ना, इमाम कहाँ है, खौफ खुदा कहाँ है? हमारे कितने टीवी चैनलों में अजान होती है, कितने चैनलों में अजान होती है, कितने चैनलों में अल्लाह की बात होती है? मैं सर फिरकों की बात ही नहीं कर रहा। मुहर्रम में तो खैर सारे या हुसैन करते हैं, क्योंकि अक्सर को रेटिंग भी चाहिए होती है चैनलों को। ये तो इमाम हुसैन का करम है जिसकी दानिशगाह अभी तक खुली हुई है। मैं अकीदे से देवबंदी हूं, मुझे शियों से बेशक इख्तलाफ है, लेकिन मैं अपने पूरे खलूस के साथ ये कह रही हूं कि अगर शिया ना होते तो आज हम इमाम हुसैन को बागी और यजीद को बागियों को कुचलने वाला समझते हैं। कोई शक नहीं है, ये जो अदादारी, ये जो जहमतें, ये जो मुश्किलात, सख्ती, गर्मी, ये जो इमाम हुसैन के जिक्र को जिंदा रखता है, हमने नहीं रखा। ये आजादारी है जिसने हमें जिंदा, ये हुसैन है। और ये जो हदीस हम सुनते हैं, रसूल खुदा ने, रसूल खुदा जो अमीन और सिद्दीक है, जिनकी जबान से हमने कुरान सुना, वो फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं कि अर्श के दाएं तरफ लिखा है, इन्नल हुसैना मिसबाह हुदा व सबीना तुन्निजा, कि बेशक हुसैन हिदायत का चराग है और निजात की किश्ती है। कहां लिखा है? अर्श पे लिखा है। गर्मी लगी
जुलूस के बाद जब मैं गिर गया तो मैंने ईमान की प्यास को याद किया। मैंने कहा मैं चंद घंटे बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो मैं कुर्बान जाऊं देहरा के लाल पर, जो चंद दिन का प्यासा ना सिर्फ अकेला बल्कि कभी अली अकबर का बदन ला रहा है, कभी कासिम के टुकड़े लाता है, कभी औलो मुहम्मद, कभी अब्बास के कटे हुए बाजू, कभी अली असगर की गर्दन। हाय कितनी बड़ी गुर्बत है। उसी गुर्बत में अपनी बहन के खेमों में आया, बहन ने माँ का कुर्ता पहनाया, बस दबा को मेरा वाला ने देखा बच्ची है नीचे उतरे, बेटी ने बाबा को गले लगाया। अरे आपकी भी बेटियां होंगी, घर से बाहर निकलते हैं ना, बेटी गले लगाती है लेकिन उम्मीद रखती है कि बाबा घर आएगा, लेकिन जिस बेटी को पता हो बाबा नहीं आएगा, कहा बाबा हमें मदीना छोड़ाओ, कहा बेटा अब देर हो गई, मेरे वाला ने नीचे देखा कि बहन है, कहा बहन अभी तो आकल कहता है कि 12 लोग आए इमाम के सर को तन से जुदा करे ना कर सके। शिमर आया जैसे ही सीने पर बैठा, मेरा 12वां इमाम ज़ियारत नाहिया में कहता है शिमर उन जाल सुन्नाला सदर, शिमर सीने पर बैठा। मेरे मौला ने कहा शिमर ये काम न कर, मैं तेरी सारी गलतियां माफ करूंगा। मगर शिमर ने खंजर चलाया, खंजर नहीं चलता। कहा क्यों नहीं, कहा ये गर्दन पर मेरे नाना ने बोसे।